Hi guys, welcome back to Success Corner. We are back here with daily physics MCQs. Physics वो subject है जो लोगों को सबसे ज्यादा tough लगता है और NEET में सबसे कम score जो students करते हैं वो physics में होता है. इसीलिए I have chosen specially some tough questions for you so that you can solve them, ताकि आपकी practice हो ऐसे questions में and you score good marks in NEET. Before we start, don't forget to like, subscribe and share this video. I got a suggestion in the previous video कि मुझे answers या जो correct option है वो पहले बता देना चाहिए और फिर उसको explain करके solution बताना चाहिए. So वैसा ही होगा जैसा आप सब लोग चाहेंगे. So please mention it in the comment section कि आपको answers पहले चाहिए या explain solution पहले चाहिए. So let's begin with the first question. A particle of charge minus q and mass m moves in a circle of radius r around an infinitely long line charge of linear charge density plus lambda. Then time period will be. यहाँ सबसे पहले हम इमेज बना लेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे. इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज है, चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है, चार्ज मूव कर रहा है उसके अराउंड एट ए डिस्टेंस r. So, यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज है, दो चार्जेस हैं, मतलब इनके बीच में एक फोर्स होगा. एज इट इज मूविंग अराउंड इट तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा एंड दीज टू फोर्सेस विल बी इक्वल. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर एंड फोर्स बिटवीन द टू क्या आ जाएगा आपका, क्यू लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए. यहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू रूट 2k q lambda by m. Now as it is moving around it in a circle, तो इसका perimeter क्या होगा, 2 pi r, मतलब जो distance वो cover कर रहा है, it is 2 pi r. And distance upon velocity is equal to time, ये हमें पहले से ही पता है. So distance is 2 pi r, velocity हमने अभी अभी find की, distance upon velocity करेंगे, हमें time period मिल जाएगा, which will be equal to 2 pi r into root m by 2k q lambda. That means the correct answer will be option 1. Question 2. P is a point on an equipotential surface S. The field at P is E. Then, हमें याद रखना है, equipotential surface जो होता है, the electric field हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करती है. सो ऑप्शन वन देखो, ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एस इन ऑल केसेस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बट डायरेक्ट ऑप्शन वन देख के आंसर टिक नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन थ्री पे ध्यान दो, ई कैन नॉट हैव अ कंपोनेंट टेंजेंशियल टू एस. ये दोनों पॉइंट्स जो है वो एक ही है होगा, देन नेचुरली ई कैन नॉट बी टेंजेंशियल टू एस एट द सेम पॉइंट. देयरफॉर ऑप्शन वन एंड ऑप्शन थ्री बोथ आर करेक्ट. सो ऑप्शन फोर जो है, both 1 and 3 are true, is correct. So option 4 is the right answer. Question 3. Component of A vector is equal to 2i cap plus 3j cap along the direction of vector i cap plus j cap is. सबसे पहले हम i cap plus j cap को B vector के form में लिखेंगे, ताकि simplify हो जाए जरा visualize करने में. So B vector is equal to i cap plus j cap. नाउ हमें पता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है. इसी में से बी को अगर हम डिवाइड करने ले जाएं दूसरे साइड, देन ए बी ए कॉस थीटा बी कैप इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय बी इनटू बी कैप. अब ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया, हमें बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं. ए की जगह ए वेक्टर का फॉर्मूला, बी की जगह बी वेक्टर का फॉर्मूला, और बी कैप की जगह बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ये ध्यान देना है, यूजुअली लोग ये भूल जाते हैं कि बी कैप जो है उसको भी हमें फॉर्मूला में एंटर करना है. इवन दो इट इज अ यूनिट वेक्टर, हमें यहाँ पे एंटर करना है उसका वैल्यू. देन व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट 5 बाय 2 आई कैप प्लस जे कैप. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. क्वेश्चन 4. एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड of 100 newton per coulomb as shown in the figure. A block of mass 1 kg having charge q
sliding down on the plane with constant velocity. If coefficient of friction is 0.5, then the value of charge Q is. यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें ये ध्यान देना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स है और जो अपवर्ड फोर्स है दे आर इक्वल. सो हम फोर्सेस को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे. जो mg है उसे mg sin थीटा, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है वो mg cos थीटा. सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा उसको भी हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे. देन फर्स्ट एज यहां पे फ्रिक्शन की बात आ गई है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, सो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा उसके लिए हमें नॉर्मल फोर्स ढूंढना पड़ेगा. यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो होगा वो फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो यहाँ इमेज में देखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन कौन से दो फोर्सेस हैं, वन इज क्यूई साइन थीटा एंड द अदर इज एम जी कॉस थीटा. देयरफॉर जो नॉर्मल फोर्स होगा विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस क्यूई साइन थीटा. देन इसके बाद हम देखेंगे जो पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन है जो फोर्सेस हैं हम उनको इक्वल करेंगे क्योंकि हमें गिवन है कांस्टेंट वेलोसिटी. सो डाउनवर्ड जो फोर्स है वो है एम जी साइन थीटा बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक. अपवर्ड जो फोर्स है एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दैट इज क्यूई कॉस थीटा एंड द अदर इज द फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स को हमें भूलना नहीं है विच इज इक्वल टू म्यू इंटू द नॉर्मल फोर्स विच इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस क्यूई साइन थीटा. अब थीटा 45 डिग्रीज गिवन है सो आप कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है इसमें. इससे आपका जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा. सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, क्यू इज इक्वल टू एम जी वन माइनस म्यू डिवाइडेड बाई ई प्लस इंटू वन प्लस म्यू. इसमें आपको बस वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है म्यू की, एम जी की और ई की एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर दैट इज 33.3 इंटू 10^-2 कूलम. दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. लार्ज सॉलिड स्फीयर हैज अ नैरो टनल थ्रू इट्स सेंटर एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट. अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्फीयर अप्रोचेस इट अलॉन्ग द लाइन ऑफ द टनल एंड पासिस थ्रू इट. If the speed of the particle when it reaches the surface is v, then the speed at the center is. So, ऐसे questions को देख के confused नहीं होना है. Understand करना है question क्या है. यहाँ पे हमें charge पता है, एक sphere given है, तो हम potential easily find कर सकते हैं. यहाँ बताया कि the negative charge approaches from a very large distance. मतलब हम large distance को infinite consider कर सकते हैं. So, potential at infinite distance is जीरो. ये हमेशा याद रखना, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू जीरो. एंड पोटेंशियल एट द सरफेस क्या होगा, एट द सरफेस होगा के क्यू बाय आर. हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर बिकॉज पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विल बी जीरो. नाउ चार्ज इंटू पोटेंशियल जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है. सो काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस हमें मिल गया, चार्ज नेगेटिव चार्ज इसलिए माइनस क्यू इंटू के क्यू बाई आर. के इज इक्वल टू 1/4π ε0. सो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है फॉर काइनेटिक एनर्जी एट द सर्फेस. सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे फॉर काइनेटिक एनर्जी एट द सेंटर. एट द सेंटर फिर से, एट द सेंटर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे 3/2 के क्यू बाय आर. पोटेंशियल एट इन्फिनिटी वंस अगेन जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया, इंटू माइनस क्यू करेंगे सो पोटेंशियल एट सेंटर मिल जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी एट सेंटर मिल जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी एट द सेंटर विल बी इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 3/2 के क्यू बाय आर. नाउ काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वेयर. सो हम रिप्लेस करेंगे, हम दोनों को रेशियो लेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट सेंटर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस. तो हमें रेशियो मिल गया है 3/2. हम काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो हाफ एम इंटू वेलोसिटी एट सेंटर का स्क्वायर एंड हाफ एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सरफेस का स्क्वायर. सो हमें दोनों स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज का रेशियो मिल गया. यहाँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3/2 इंटू वी स्क्वायर. सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर क्या आ गया, रूट
1.5 into velocity of the surface. That is, the velocity of center is root 1.5 times the velocity at the surface. So correct answer is option 4. Question 6. The error in measuring the mass and radius of a solid sphere are ±1% and ±0.5% respectively. The error in calculation of the moment of inertia of the solid sphere will be about. यहाँ moment of inertia की बात हो रही है, सबसे पहले moment of inertia का formula पता होना चाहिए. So I is equal to mr square होता है. जब errors की बात आ जाए, errors में जब भी multiplication sign हो formula में errors add होते हैं. जब powers की बात आ जाए तो वो power multiply होता है. यहाँ r square है तो वो 2 से multiply होगा. Therefore the error in I will be equal to plus minus error in m plus 2 into the error in r. यहाँ error in m, delta m by m into 100 हमें already given है plus minus 1%, और error in r, delta r by r into 100 पहले से given है 0.5%. Formula में दोनों की values put करनी है, add करना है, correct answer आ जाएगा option 4, that is plus minus 2%. Question 7. A positive point charge which is free to move is placed inside a hollow conducting sphere with negative charge away from its center. It will. So, ये उन tricky questions में से है. ये question बस आपको confuse करने के लिए दिया जाते हैं. Question में ज़्यादा कुछ नहीं है. बस ध्यान क्या देना है? Hollow conducting sphere है. So, as it is a hollow conducting sphere, तो उसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, therefore it will remain stationary. So correct answer क्या आ जाएगा आपका? Option 3. Question 8. A metallic disc is being heated. Its area A in meter square at any time t in seconds is given by A is equal to 5t square plus 4t plus 8. Calculate the rate of increase in area at t equal to 3 seconds. So जब भी रेट ऑफ इंक्रीज आपको पता दिखे, आपको समझ जाना चाहिए कि डिफरेंशिएशन की बात हो रही है. यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी. सो ए इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8. हम dA by dt करेंगे. 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10t, 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4, और 8 को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे एज इट इज अ कांस्टेंट वो आएगा 0. एट t इक्वल टू 3 सेकंड्स बोला है, तो t की जगह 3 पुट कर देना. मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज 34. क्वेश्चन 9. टू पॉइंट चार्जेस प्लस q एंड q by 2 आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस सच दैट q इज एट द ओरिजिन एंड द अदर q by 2 इज एट x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स. अ थर्ड चार्ज माइनस q इज प्लेस्ड ऑन x एक्सिस सो दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द थ्री चार्ज सिस्टम इज सेम एज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर इनफाइनाइट सेपरेशन. The x coordinate of minus q is approximately. Question देखने के बाद first thing जो आपको notice करना है वो है potential energy of three charge system is same as potential energy for infinite separation. That means the total potential energy should be equal to zero. Now we'll find the potential energy. इसके लिए हम सबसे पहले diagram बनाएंगे इसका. q and q by 2 are a distance of 4 centimeters and minus q का जो distance है from q वो हम assume कर लेंगे x. Then we'll find the potential energy between q and q by 2, q by 2 and minus q, and q and minus q. और फिर इनको add कर देंगे. So add करने के बाद आ जाएगा हमारा answer 0. फिर इसको हम solve करेंगे for x. x के लिए solve करने के बाद answer आ जाएगा x equal to approximately आ जाएगा x equal to 13. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. क्वेश्चन 10. द टॉर्क ऑफ द फोर्स F इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट R इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर्स अबाउट द ओरिजिन इज. टॉर्क की बात आ गई. टॉर्क हमें पता है, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, r वेक्टर क्रॉस द फोर्स वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना आना चाहिए, ये बेसिक सबसे पहले होता है
फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट लेना आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 17i cap - 6j cap - 13k cap। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। क्रॉस प्रोडक्ट लेते समय साइंस का ध्यान देना है, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट की ढंग से प्रैक्टिस करना। क्रॉस प्रोडक्ट काफी बार यूज होता है काफी सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस में। दीज वर टूडेज 10 MCQs। ऐसे ही रोज 10 10 MCQs सॉल्व करते रहना है। फिजिक्स थोड़ा सा टफ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे परफेक्ट नहीं कर सकते। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ऐसे ही रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके, इनकी प्रैक्टिस करके ही आप परफेक्ट बनेंगे और फिजिक्स सेक्शन में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।